सत श्री अकाल सारियां नूं। मैं वेट ही कर रही सी कि सारे जाने मेरे नाल जुड़ जाण, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद लाइव कर रही हाँ। और लाइव करन दे पिछे बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न आ, जिहड़ा कि अजकल बहुत हॉट टॉपिक चल रहा आ, यूक्रेन ते रशिया दी वॉर दे उत्ते। सो उस बारे कुछ गल्लां करनियां सीगियां और मैं चाहुंदी सी कि वह गल्लां मैं लाइव आके रखा। एंड सब तो पहले जो यूक्रेन दे विच हो रहा है और जो वॉर दे विच आम इंसानों की, आम लोगों की, बच्चों की जिहड़ी जान जा रही है, वह बहुत बुरा हो रहा है और वो नहीं होना चाहिए। और क्योंकि वॉर किसी भी तरीके की खराब गल हुंदी आ, नहीं होनी चाहिए किसी भी कंट्री की वॉर जिहदे विच जानी जान जावे लोकां दी और आम लोकां नूं नुकसान होवे, वो गलत गल हुंदी आ। बट असी बहुत सारे लोग इस दे डेप तक नहीं जानते कि किसी भी दो कंट्रीज़ की जिहड़ी वॉर हो रही है वो क्यों हो रही है और उहदे पिछे रीज़न की है। उस डेप्थ विच आपां नूं जाना चाहिए है और उस बारे गल भी करनी चाहिए है। सो बेसिकली जिहड़ी यूक्रेन की ते रशिया की वॉर क्यों हो रही है और उस टॉपिक के उत्ते असीं कुछ गल्लां करनियां चाहवांगे। एक्चुअली पहली गल तो यह कि वर्ल्ड अफेयरस के आपां ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक वर्ल्ड पोलिटिकल मैटर आ, आपां अपनी कंट्री रिप्रजेंट करना चाहिए है और अपनी कंट्री के बिहाफ के उत्ते जिहड़ी भी गल आ वह करनी चाहिए आ। और बट मैं कुछ जिहड़ियां गल्लां आ वह करना चाहुंदी हाँ और जिस विच मैं आई बिलीव अज का ट्वीट सीगा, कल का ट्वीट सीगा जिदे विच आई बिलीव सो कि साडे प्राइम मिनिस्टर ने गल कीती होगी रशियन गवर्नमेंट दे नाल, जिन्हां ने मतलब 6 घंटे वास्ते अपनी वॉर डिले की और जिदे विच इंडियन स्टूडेंट्स नूं उत्थों बाहर निकलन दा टाइम दिता है, क्योंकि इंडिया दे रशिया दे नाल काफ़ी चंगे रिलेशनस ने और रशिया ने इंडिया नूं 1971 एंड 1962 दे विच भी हेल्प की सी। और इंडिया पॉज्ड वॉर फॉर 6-8 आवर्स जस्ट टू गेट इंडियंस आउट अ वॉर दैट नोबडी नॉट यूएस नॉट ईयू हैज बीन एबल टू स्टॉप, लेट्स सिंक इट, ए ट्वीट सी। सो बेसिकली रशिया ने हमेशा ही इंडिया नू हेल्प की आ और जदों भावें 1971 दे विच पाकिस्तान दे नाल इंडिया दी वॉर हुई सी उदों भी रशिया ने हेल्प की सी। आपां नूं हिस्ट्री जिहड़ी है ना उह स्क्रोल डाउन करके देखनी चाहीदी है कि रशिया दी यूक्रेन दे नाल क्यों लड़ाई हो रही है। सो बेसिकली रशिया दी यूक्रेन दे नाल इस करके लड़ाई हो रही है क्योंकि यूक्रेन ने रशिया नूं डेप्थ विच पाउण दी गल सोची सी, क्योंकि रशिया दा जिहड़ा 70% जिहड़ा काम आ वह गैस पाइप दे नाल चलदा आ, गैस दे नाल चलदा आ और जिहड़ा गैस रशिया सप्लाई करदी आ यूरोप नूं और उहदी जिहड़ी गैस पाइप आ यूक्रेन दे थ्रू जांदी आ और यूक्रेन रशिया तों टैक्स चार्ज करदा आ। जदों यूक्रेन दे प्रेजिडेंट ने रशिया दा जदों ये देखिया भी रशिया नूं फायदा हो रहा है इस चीज़ का, उन्होंने डेप्थ विच पाउण वास्ते उन्होंने हाई कर दिता टैक्स इहदा गैस पाइप का कि टैक्स असीं ज़्यादा चार्ज करांगे रशिया तो। सो फिर जदों रशिया ने फिर भी फ्रेंडली रिलेशनस बिल्डअप करके रखे यूक्रेन दे नाल, उन्होंने समुंदर दे विच दी काफ़ी 5 साल ला के काफ़ी ज़्यादा पैसे ला के गैस पाइप बिल्डअप की यूरोप कंट्रीज नूं डायरैक्ट सप्लाई करन वास्ते। फिर यूक्रेन ने अमेरिका दे नाल मिल के नैटो दे विच अपने आप नूं पाउण दी गल की और जिहड़ी कि अमेरिका ने हमेशा ही कोशिश की है कि दो नेबरिंग कंट्रीज़ नूं लड़ा दो ते अपना जिन्ना भी हथियार आ उस कंट्रीज़ नूं सप्लाई करके अपना प्रॉफिट देख ले। और मैनूं लगता है कि पिछले कई महीनों तो यूक्रेन नूं काफ़ी अमेरिका ने असला प्रोवाइड किया जिहदे विच अमेरिका बहुत ही प्रॉफिटेबल डील दे विच रहा है। सो आपां नूं इह जिहियां जिहड़ियां गल्लां ना डीपली सोचनियां चाहीदियां ने कि यह गल किहड़ी किहदे नाल लिंकड आपां और की हो रहा है और किहड़ी कंट्री दे नाल साडी कंट्री दे गुड टर्म्स ने। और इहदे विच साडे प्राइम मिनिस्टर ने
एक बहुत ही वधिया डिसीजन ही लिया आ जोड़ा कि उन्होंने रशिया के नाल गल करके जोड़े अपने इंडियन स्टूडेंट्स न उतों बाहर कढ़ाने की गल की जी मैं ट्वीट तुम दिखाई भी सी और नाओ जदों की यूक्रेन में पता लग गया है कि इंडियन स्टूडेंट्स के नाल इस तरीके बर्ताव किया जा रहा है तो उत्थे इंडियन स्टूडेंट्स न उतों के लोग ट्रेन के भी नहीं वड़न दे रहे सो बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं सो बेसिकली मैं किसी के खिलाफ नहीं हाँ बट मैनू ये लगता है कि आपां अपनी कंट्री दे अफेयर्स वल ध्यान देना चाहिए है हाँ वर्ल्ड वॉर्स नहीं होनी चाहिए जां दो कंट्रीज दीआं वॉर्स नहीं होनी चाहिए एक जिहड़ा माली नुकसान आ वो कंट्री का नहीं होना चाहिए और लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए और जो भी इंडिया वालों डिसीजन मेकिंग की गई है और ये जबकि दो पोलिटिकल पार्टीज जिहड़ियां आपस च हैगियां ने कांग्रेस ते बीजेपी कांग्रेस भी इस गल दे विच इंटरफेयर नहीं कर रही बीजेपी दे इस मैटर दे विच बस वो ये जरूर पा रही है कि हाँ इंडियन स्टूडेंट्स वास्ते की किया जा रहा है की नहीं किया जा रहा बट वो रशिया के उत्ते पॉइंट आउट नहीं कर सकती पर कितने ना कितने जो कांग्रेस गवर्नमेंट सी रशिया ने उदों भी काफ़ी हद तक इंडिया नूं सपोर्ट किया सो आपां जी वर्ल्ड अफेयरस आ करंट अफेयरस आदि नॉलेज होनी चाहिए आ ये बारे कंप्लीटली पढ़ना चाहिए आ ये फैक्ट्स नूं जान के ही अपने अपन गल्ल रखनिया चाहिए ने क्योंकि बहुत सारे पोलिटिकल लीडर्स जो इंडिया के बहुत सारे अपने रिव्यूज़ दे रहे हैं वॉर वास्ते तो बट उस तो पहले उन्होंने इतिहास पढ़ लेना चाहिए आ भी कि कंट्री के गुड टर्म्स साड़ी कंट्री के नाल रहे ने और ताकि आप सही डिसीजन मेकिंग कर सकी और सही चीज़ा डिपेक्ट कर सकी और सोशल मीडिया से सही गल्लां अगे लैके आ सकी क्योंकि अपना अज का जिन्ना भी यूथ आ उन्होंने इस चीज़ की नॉलेज नहीं हैगी इस सारिया चीज़ों की क्योंकि वो मैं लगता है बहुत घट पढ़ते हैं और उन्होंने पढ़ना चाहिए अपना इतिहास भुलना चाहिए आ उन्होंने पता होना चाहिए भी केड़ी कंट्री ने इंडिया नूं सपोर्ट की सी और किस टाइम के उत्ते केड़े चंगे रिश्ते रहे ने केड़ी कंट्री दे सो बिकेज अगे आने वाले टाइम के उत्ते भी किसी भी कंट्री का किसी भी कंट्री दे नाल कोई भी अफेयर हो सकता है सो आपां नूं और हाँ ऑफकोर्स माई फ्रेंड इज टैलिंग यूक्रेन ने जदों पाकिस्तान दे नाल इंडिया की लड़ाई सी उदों टैंक दिते सीगे साडे खिलाफ सो आपां नूं ये सारियां गल्लां पता होनियां चाहीदियां आ मतलब कोई इंसान सिंपथी गेन कर रहा है उतों का प्रेजिडेंट जिहड़ा कि एक उस प्रेजिडेंट नूं वेखो कि उहदा प्रेजिडेंट किवें बनिया वो एक आर्टिस्ट सीगा और एक यू नो एक आर्टिस्ट फेमस होया जोक्स ना सुना के पॉपुलैरिटी गेन करके वो उतों का प्रेजिडेंट बन गया और किस तरीके दे नाल एक इंटैलीजेंट जिहड़ा प्रेजिडेंट सीगा जिहड़ा पहलों रशिया दे नाल मिलके चलता हुंदा सीगा यू नो बहुत सारिया यह जी गल् जन जाननिया चाहिए ने और पता होना चाहिए आ भी आप वर्ल्ड अफेयरस के उत्ते पोलिटिकल अफेयरस के उत्ते आप जो गल करिए हमेशा किसी के पिछे लग के हमेशा अपने प्राइम मिनिस्टर निंदा निंदना नहीं चाहिए मैं लगता भी जो कोई सही गल करे तो एप्रीशिएट भी करना चाहिए आ जो उन्होंने साडे इंडियन स्टूडेंट्स वास्ते हुण एक स्टैप लिया मैं लगता कि वह जरूरी आ होर मैं कुछ पॉइंट्स जिवें मैं खुद पढ़ती रहनी हाँ सो मैं कुछ पॉइंट्स लिखे भी सके कि वर्ल्ड वॉर टू तो बाद जिवें वर्ल्ड जनरेशन थ्री जनरेशन डिवाइड होया सीगा जिवें अमेरिका हो गया और सैकेंड रशिया दे विच हो गया जां न्यूट्रल कंट्री सीगियां जिहदे विच अपनी इंडिया भी सी और जर्मनी जिहड़ा ही सीगा वो दो जगह पर डिवाइड होया सीगा और जिहड़ा कि अमेरिका दे कोल चले गया सीगा ते रशिया दे कोल चले गया सीगा और अमेरिका ने नेटो बना ली सी जिन्हों असी बेसिकली नेटो सारे सोचते हैं भी की आओ मिलट्री अलायंस आ और अमेरिका जी है जिन्हें सोवियत ब्रोक कर दिता सीगा और यूक्रेन एक अड कंट्री बन गई सी बाद दे विच एंड अमेरिका दी सीक्रेट मीटिंग भी हुई सी रशिया दे नाल एंड नॉट टू ऐड मोर कंट्रीज इन ये नेटो दे विच खास करके जी यूरोपियन कंट्रीज़ है उन्होंने ऐड नहीं करन वास्ते ताकि वो रशिया नू फ्री रशिया जिहड़ा है वो जर्मनी नू फ्री कर दे एक फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री कर दे तो उहदे कोई कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है बट उहदी सीक्रेट मीटिंग्स बहुत सारे इहो जिहे पोलिटिकल अफेयरस आ जिन्हां नू आपां नू पढ़न की भी लोड़ आ जानन की भी लोड़ आ और उहदे बारे गल रखन की भी लोड़ आ सो बेसिकली ये कुछ गल्लां सीगियां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿੰਕਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਬੀਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਜਿਮ ਵਰਕਆਊਟ ਨਾਉ ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਜਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਰਕਿੰਗ ਆਊਟ ਐਂਡ ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ